हेलो डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन लेसन 13 वेदर एंड सीजन। ओके, फर्स्ट टाइम रीडिंग पेज नंबर 67 वेदर एंड सीजन। लर्निंग ऑब्जेक्टिव वेदर एंड सीजन। वेदर इज द कंडीशन ऑफ एयर एट ए पर्टिकुलर टाइम और प्लेस। इट चेंज फ्रॉम डे टू डे। इट पे बी सनी, रेनी, क्लाउडी, कोल्ड और विंडी। हॉट एंड सनी डेज। ऑन ए सनी डे द सन शाइन्स ब्राइटली। एज द वेदर इज हॉट, वी नीड टू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। वी लाइक टू ईट कोल्ड थिंग्स लाइक आइसक्रीम इटीसी। कोल्ड डे। ऑन ए कोल्ड डे द वेदर इज कूल। वी लाइक टू सिट नियर फायर। We also use heaters in rooms. We do not go out. We stay inside the house. Windy days. On a windy day, the wind blows strongly. Strong wind can blow away many things. The day is may be hot or cold. Okay? इसे आप follow करिएगा। आप वीडियो को सुनते रहिए और अपने बुक को सामने रख के आप रीडिंग भी इसी तरीके करते रहिए, ठीक है ना। अब हम वन बाय वन वीडियो में पैराग्राफ्स को एक्सप्लेन करेंगे। आप इसे सुनिए और अच्छे से समझिए। ओके, चलिए फर्स्ट पैराग्राफ। वेदर। वेदर मीन्स होता है मौसम, ठीक है। वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ एयर एट ए पार्टिकुलर टाइम और प्लेस। मौसम हवा की स्थिति है। एट ए पार्टिकुलर, एक विशेष टाइम, समय और स्थान, यानी एक विषय और एक विशेष समय और स्थान की एक हवा की स्थिति को हम मौसम कहते हैं, ठीक है। इट चेंज फ्रॉम डे टू डे, यह दिन प्रतिदिन बदलता है। इट मे बी सनी, यह सनी, रेनी, क्लाउडी, कोल्ड और विंड हो सकता है। जैसे यह धूपदार हो सकता है, रेनी वर्षा वाला हो सकता है, क्लाउडी बादल युक्त हो सकता है, ठंड और हवादार हवा चलने वाली हो सकती है, ठीक है ना। यानी वेदर जो होता है वो दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, ये किसी भी तरीके से हो सकता है। हॉट एंड सनी डे, तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको ये क्लियर करना है कि इसमें जो हॉट एंड सनी डे हैं वो किस तरीके होते हैं, उनमें क्या परिवर्तन होता है और उसे हम कैसे देख सकते हैं। चलिए पॉइंट आउट नंबर वन। ऑन ए सनी डे, यानी जब धूपदार दिन होते हैं, यानी जिसमें धूप निकला होता, सनी चमकदार दिन, ठीक है। द सन शाइन्स ब्राइटली, तो सूर्य जो होता है बहुत ही चमकीला, यानी बहुत ही ब्राइटली चमकता है, ठीक है। द सन शाइन्स ब्राइटली, बहुत ही चमक होती है सूर्य में। एज द वेदर इज हॉट, अब मौसम गर्म होता है। वी नीड टू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, तो हमें लॉट ऑफ वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत, पीने की ज़रूरत होती है, यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत होती है या ज़्यादा से ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है पीने के लिए। वी लाइक, पॉइंट आउट नंबर थ्री, वी लाइक टू ईट कोल्ड थिंग, हम ठंडी चीज़ों को खाना पसंद करते हैं। लाइक आइसक्रीम इटीसी, जैसे आइसक्रीम हुआ, ठीक है ना, कोल्ड ड्रिंक हुआ इटीसी। नेक्स्ट कोल्ड डे, यानी ठंड के दिनों में, यानी जब मौसम ठंड होता है उन दिनों में किस तरीके के वेदर्स होते हैं। पॉइंट आउट नंबर वन, ऑन ए कोल्ड डे, यानी ठंड के दिनों में द वेदर इज कूल, मौसम ठंड रहता है। वी लाइक टू सिट नियर फायर, हम आग के पास बैठना पसंद करते हैं। आप देखे होंगे जैसे प्रेजेंट टाइम ठंड में चल रहा है तो लोग लाइट फायर, यानी आग जलाते हैं और उसके पास बैठते हैं। पॉइंट आउट नंबर थ्री, वी आल्सो यूज हीटर्स इन रूम, हम कमरों में हीटर यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, हम कमरों में हीटर भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। वी डू नॉट गो आउट, हम बाहर नहीं जाते हैं। वी स्टे इनसाइड द हाउस, हम घर में ही, घर के अंदर ही ठहरते हैं, हम घर के अंदर ही रुकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे समय में क्या होता है कि जब ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो घर में ही लोग रहते हैं,
बाहर नहीं जाते हैं, ठीक है, तो विंडी डे। और जब हवादार दिन होते हैं तब किस तरह के मौसम होता है? ऑन ए विंडी डे द विंड ब्लो स्ट्रांगली, हवाएं कैसे होती हैं, बहुत तेज बहती हैं, ठीक है। स्ट्रांग विंड कैन ब्लो अवे मेनी थिंग, जो तेज हवाएं चलती हैं वो अपने साथ कई चीज़ों को बहा ले जाती हैं। द डेज में बी हॉट और कोल्ड, तो ऐसे जो दिन होते हैं वो गर्म वाले भी हो सकते हैं और ठंड भी हो सकते हैं। तो ऐसे दिन जो होते हैं वो गर्म या ठंड हो सकते हैं ऐसे दिनों में, ठीक है ना, यानी दिन गर्म या ठंड हो सकते हैं, ठीक है ना, किस कब, विंडी डे। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैंने पेज नंबर 67 एक्सप्लेन किया है, आप वीडियो को एंड तक सुनिएगा और इसे आप फॉलो करिएगा। ओके, थैंक यू।